जय भीम जय मूल निवासी, मैं शैला, एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीआर मोरिया इनकी अध्यक्षता में 21वां बामसेप आंध्र प्रदेश राज्य अधिवेशन सफलतापूर्ण संपन्न हुआ, जहां प्रबोधन सत्र भाग दो की अध्यक्षता बामसेप के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर एल जे कानेकर इन्होंने की। इस अधिवेशन में लोक कला का प्रदर्शन, तेलुगु गानों का गायन, महापुरुषों की झांकियां और मूल निवासियों से संबंधित नाटकों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही हमें जय मूल निवासी ही क्यों कहना चाहिए इस विषय पर तेलुगु भाषा में पुस्तक का विमोचन किया गया। आइए देखते हैं इस विषय पर यह खास रिपोर्ट। दिनांक 8 और 9 सितंबर को आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा पूर्व गोदावरी जिला में दो दिवसीय 21वां बामसेप आंध्र प्रदेश राज्य अधिवेशन सम्पन्न हुआ, जहां बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष डी आर आर्य इनके द्वारा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले एवं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इनके शहर में स्थापित पूर्ण आकृति प्रतिमा को फूल माला अर्पित कर काकीनाड़ा के भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन के प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। इस अधिवेशन का उद्घाटन सत्र मूल निवासी राष्ट्रीय गीत से प्रारंभ हुआ। इसका उद्घाटन डीएमआर शेखर इनके हाथों से किया गया। उन्होंने अपने भाषण में संबोधित किया कि बामसेप यह प्रस्तापित संगठन है एवं मूल निवासी भोजन समाज से संबंधित विषयों पर पूरे भारत में जन जागरण करती है। इसके साथ ही उन्होंने बामसेप से नम्र निवेदन करते हुए कहा कि बामसेप में कर्मचारियों के जो संगठन है और उनमें जो जुड़े कर्मचारी है, उनको बामसेप ने प्रशिक्षित करना चाहिए, जिससे उनके ज्ञान और कौशल्य में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके कारण वे मूल निवासी समाज से संबंधित समस्या पर विश्लेषण कर सकेंगे। हिंदू व्यवस्था में विषमता भरी हुई है, इसे निपटने के लिए फुले अंबेडकर विचारधारा पर अडिग रहते हुए कर्मचारियों ने समाज में जन जागरण करना आवश्यक है। उद्घाटन सत्र का संचालन डी सुधाकर इन्होंने किया, तो प्रस्तावना बामसेप आंध्र प्रदेश यूनिट के अध्यक्ष मान्यवर मुरली कृष्णा इन्होंने रखी। इसके साथ ही मान्यवर किंग इन्होंने बामसेप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर डी आर आर्य इन्होंने संगठन का महत्व समझाते हुए कहा कि हमें अपनी नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम चाहते हैं कि समता, स्वतंत्रता, न्याय एवं भाईचारा पर सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो और उसके निर्माण हेतु हमें त्याग एवं समर्पण से कार्य करना ही होगा। इसी सत्र में बामसेप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मान्यवर गंगाधर ने हमें जय मूल निवासी ही क्यों कहना चाहिए इस पर विस्तार से मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही तेलुगु भाषा में इस विषय पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस अधिवेशन में प्रबोधन सत्र के विषय पर हिंसक ब्राह्मणवाद से सर्वनाश के लिए फुले अंबेडकर विचारधारा ही हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इस पर विस्तार से वक्ताओं ने अपनी बात रखी। मान्यवर के तिलक कुमार इनकी अध्यक्षता में यह प्रबोधन सत्र आयोजित हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदू समाज व्यवस्था में ब्राह्मण ही बुद्धिजीवी वर्ग है और बिना बुद्धिजीवी वर्ग से परिवर्तन संभव नहीं है, यह सत्य नहीं है। उन्होंने घातक साबित हो रहे बुद्धिजीवियों द्वारा किए जा रहे माइंडलेस कार्य के लिए अपील करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग और धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों ने कॉर्डियर तरीके से तथा लोकतंत्रात्मक तरीके से रहना चाहिए और भारतीय संविधान के कायदे कानूनों को मानते हुए कार्य करते रहना चाहिए। इस अधिवेशन में सांस्कृतिक क्षेत्र, उल्लास बैंक तथा प्रेरणा से लोक कला का प्रदर्शन, तेलुगु गानों का गायन, महापुरुषों की झांकियां और मूल निवासियों से संबंधित नाटकों का प्रदर्शन किया गया। इस सत्र की अध्यक्षता माननीय डॉक्टर सत्यजीत राम ने की। उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी सभ्यता का जतन करना चाहिए। प्रबोधन सत्र भाग दो में विजयवाड़ा के रिटायर्ड प्रिंसिपल माननीय रंगाराव, एम सत्य बाबू, एसपी डॉक्टर यश अम्बेडकर महालक्ष्मी और मान्यवर यू संवाद शिवराज संभाजी राव, इन वक्ताओं ने एससी एसटी ओबीसी और धार्मिक अल्पसंख्यक इन लोगों की समस्याओं को उजागर किया तथा मार्गदर्शन करते हुए कहा कि इन वर्गों का प्रतिनिधित्व अभी भी वर्तमान व्यवस्था में नहीं है। लोकतंत्र के हथियारों को लोकतंत्र के हथियार से नेस्तनाबूत करने का सही मौका इस पर बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से वर्तमान में स्थितियां परिस्थितियां विद्यमान है, यह लोकतंत्र को नहीं मानता, यही दर्शाता है, इसलिए हमें दक्षता से कार्य करना चाहिए। प्रबोधन सत्र की अध्यक्षता बामसेप के वरिष्ठ कार्यकर्ता डॉक्टर एल जे कानेकर इन्होंने की। उन्होंने अपने विचार रखते हुए कहा कि आज वर्तमान में भारतीय संविधान का अमल नहीं किया जा रहा है और भारतीय संविधान का अमल नहीं करना इसका अर्थ यही है कि लोकतंत्र की हत्या करना।
बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र के बारे में कहा कि लोकतंत्र यह एक प्रक्रिया है जिससे विषमता में व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए बराबरी की व्यवस्था का निर्माण बिना हिंसक तरीके से कर सकते हैं। इसलिए जरूरी यह है कि हमें कोई भी हिंसा का रास्ता अपनाना नहीं चाहिए। एकमात्र तरीका यही है कि भारतीय संविधान का अमल करने के लिए आग्रह करते रहना चाहिए। इस अधिवेशन के समारोह सत्र की अध्यक्षता बामसेप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय गंगाधर इन्होंने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस अधिवेशन से एक नई ऊर्जा लेकर हमें समाज में फूले अंबेडकर विचारधारा का प्रसार करते हुए SC ST OBC और इनसे धर्म परिवर्तित धार्मिक अल्पसंख्यक इनको इकट्ठा करना चाहिए। मुझे आशा है कि इस कार्य को बामसेप के समर्पित कार्यकर्ता समझेंगे, ऐसी उम्मीद उन्होंने की। इस सत्र का आभार प्रदर्शन काकीनाडा यूनिट के बामसेप अध्यक्ष माननीय डी सुधाकर इन्होंने किया। इस दो दिवसीय 21वें बामसेप आंध्र प्रदेश राज्य अधिवेशन में बड़ी संख्या में मूल निवासी बहुजनों की उपस्थिति रही, जिसे सफल बनाने हेतु बामसेप एवं मूल निवासी संघ के कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम लिए।